कोर्ट का उन्हें इंतज़ार नहीं है, वो कहते हैं बस केवल हमें जनवरी में इंतज़ार है और जनवरी के बाद कोर्ट कुछ कहे या ना कहे हमें मंदिर बनाना है, केवल एक रट लगा रखा है उसके बाद। ये आवाज केवल विश्व हिंदू परिषद या शिवसेना की नहीं है, ये आवाज संपूर्ण देश की जनता की है। देश भर में 500 से अधिक सभाएं कर चुके हैं हम, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उन सभाओं में भाग लिया है। अभी लखनऊ के अंदर युवा कुंभ हुआ था, देश भर के चुनिंदा यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थी आए थे जो हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वो कुछ और सुनने को तैयार नहीं थे। वो केवल यही चाहते थे कि आप हमको पक्का कमिटमेंट दीजिए कि आप कानून लाकर मंदिर बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने नारा लगाया था, वही वोट पाएगा जो राम मंदिर बनाएगा। राजनाथ सिंह जी को नहीं बोलने दे रहे थे। एजेंडा बदल गया युवा कुंभ का, और वहां केवल एक एजेंडा रह गया, राम मंदिर। यह केवल युवा कुंभ की बात नहीं, संपूर्ण देश के सामने आज एक ही एजेंडा है। अब कोई धोखे में डाल नहीं सकता, कोई डिले कर नहीं सकता, कोई किसी तरह से टाल नहीं सकता। अब समस्या इतनी सामने आ गई है, इसके समाधान के लिए, स्पष्ट समाधान के लिए सामने आना ही पड़ेगा, और स्पष्ट समाधान एक ही मार्ग है, कानून बनाओ, या तो बिल लाकर या अध्यादेश लाकर, और राम मंदिर हमारे हवाले करो। ठीक है, ये तो आपने कह दिया, मगर अभी कई संस्थाएं इसी बात पे जोर दे रही हैं। अब जैसे आपके साधुओं की टोली है, इन्होंने मन बना रखा है पूरी तरीके से, अगर जनवरी की डेट हमारी तरफ से जो है फाइनल हमारे फेवर में नहीं आती है तो हम कुंभ में भी इसका विरोध करेंगे। और बीजेपी गवर्नमेंट इस बात को क्यों नहीं मान रही है, इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि जब सारी हिंदुओं की संस्थाएं अगर वो कहती हैं और चाहती हैं कि राम मंदिर ऐसा होना चाहिए तो वो क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों कानूनी धब्बे और आपको अध्यादेश के। आपको लगता है कि वो ध्यान नहीं दे रही, हमें लगता है वो ध्यान दे रहे। कोई भी जनतांत्रिक सरकार जन भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकती, और विशेष तौर पर जब वो जन भावनाओं का ज्वार भाटा दिखाई दे रहा हो और वो विस्फोट की स्टेज पर आकर खड़ा हो गया हो। जब वो सरकार जो राम के बारे में ये कहने की बात करते थे कि पैदा हुए कि नहीं वे सबूत नहीं है, जब वहां पर राम भक्त इकट्ठे थे, उन्हें भावनाओं का सम्मान करना पड़ा था शिलान्यास के समय पर, और वहां पर शिलान्यास की अनुमति देनी पड़ी थी, जब राम विरोधी झुक गए, तो राम विरोधी राम भक्त तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मैं अधीर नहीं हो रहा हूं, मुझे विश्वास है, हमारा आक्रोश तो आ रहा है, लेकिन वो अधीरता की ओर नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये कानून लाएंगे और हमारे को मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, 4 जनवरी की डेट लगी हुई है आपकी, अगर ये आपके फेवर में नहीं आती है तो उसके बाद आपका क्या एजेंडा रहेगा। 4 जनवरी डिसीजन की डेट नहीं है मेरे भाई, 4 जनवरी को तय होगा कौन सी बेंच होगी, हाँ, मेरा कहना उस तो है। बेंच का क्या प्रोसीजर होगा। तो नहीं किया सम्मान, और इस चीफ जस्टिस ने भी क्या कहा, ये हमारी प्राथमिकता पर नहीं है। हम कब तक इंतजार करेंगे, हम कब तक विश्वास करेंगे, हम अब तक विश्वास करते ही आए हैं। 1885 में पहली बार कोर्ट में गए थे, आजाद भारत में 1950 से हम कोर्ट में हैं, इसी विश्वास के आधार पर। मुझे लगता है विश्वास टूट रहा है समाज का, क्योंकि उनको समय तो है शबरीमला की यात्रा पर प्रतिबंध थोपने के, उनको समय तो है याकूब मेनन के लिए, उनको समय तो है पत्थरबाजों को सुनने के लिए, उनको समय तो है ऐसी सब बातों के लिए, चाहे वो गे रिलेशंस की हो, चाहे वो व्याभिचारिक संबंधों से संबंधित बात हो, उन सब पर जल्दी सुनवाई करेंगे। और राम मंदिर प्राथमिकता में नहीं है, संदेह के घेरे बन चुके हैं, और ये संदेह उनको दूर करना है, ये उन्हीं के कार्यवाही से दूर हो सकता है, और मुझे कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि पूरा देश कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपने न्याय और अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल रही है। इसलिए मैं समझता हूं हम 4 जनवरी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम कानून की ही बात कर रहे हैं।